दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेत्रानु सर में। आज के इस जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ में हम संविधान के जो है संविधान का भाग पाँच जो है भारत की संसद को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है संसद के जो कंप्लीट जितने भी शब्द होते हैं, जितने संसद से रिलेटेड जो शब्द जनरल अवेयरनेस में बनते हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी प्रश्न है या जितने भी जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड किए गए हैं, उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, जो है लोकसभा और संसद के कभी जो है आगे एग्ज़ाम वाले जो वीडियो हैं उनसे जो रिलेटेड जो विस्तृत में कभी हम और वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट जो वो हैं जो पद हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है उनको देख लेते हैं। और इससे हमने एक वीडियो बनाई है जो संसद की शब्दावली है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संसद का गठन। संसद का गठन कैसे होता है? संसद में जो है राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा और राज्यसभा में शामिल होता है। संसद तीन नामों से बनकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के मिश्रण से ही, इन तीनों के मिश्रण को वो क्या संसद बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो है जितना महत्वपूर्ण एक जो राष्ट्रपति है वो संसद का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, जैसे प्रथम चैम्बर बोलते हैं, और राज्यसभा जो है वो उच्च चैम्बर है, जो द्वितीय सदन या बुजुर्गों का सदन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और राज्यसभा का संयोजन कैसे होता है? राज्यसभा का संयोजन कैसे होता है? राज्यसभा जो है जो सदस्यों की अधिकतम संख्या जितनी कितनी है 250, जिसमें 238 सदस्यों जो है कहाँ से, राज्यों से और संघ शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रतिनिधित्व किया जाता है, और शेष 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 जो है संसद सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, मतलब मन से जो है जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, जैसे एक विशेष ज्ञान होता है शिक्षा के क्षेत्र से, कुछ कला के क्षेत्र से, अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, वो 12 मनोनीत किए जाते हैं। और जो राज्यसभा के जो 238 सदस्य होते हैं जो राज्यों से, ठीक है, उनको एक जो जितने निर्वाचक सदस्य होते हैं वही जो विधायक वगैरह होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों में वोट डालते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो लोकसभा और जो MLA का चुनाव होता है ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप चुनाव कहा जाता है। जो चुने हुए प्रत्याशियों से होता है उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो विधायक चुने हुए हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता वोट नहीं जाते हैं बल्कि निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में जो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है, इसमें से 229 राज्यों के जो है राज्यों का है। अब 4 सदस्य जो संघ शासित प्रदेश और जो केंद्र शासित प्रदेश के पदोन्नति से प्रतिनिधित्व से होते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। अब आगे देखते हैं संविधान की जो चौथी अनुसूची है, मैं राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का बंटवारा के बारे में बताती है। अब जो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का चयन जो है राज्य विधान जो विधानमंडल से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, क्या राज्यमंडल से जो विधानमंडल से जो अपनी MLA की विधान परिषद और विधानमंडल होता है उनमें जो निर्वाचित सदस्य कहने मतलब होता है जो MLC और विधायक निर्वाचित होते हैं उनमें राज्यसभा में राज्यों की सीटों को आवंटित के संख्या के अनुपात किया जाता है, मतलब उनके अनुसार उन्हें बांट दिया जाता है। ध्यान दें 87वें संविधान संशोधन में क्या है, 2003 के तहत जनसंख्या का निर्धारण 2001 के जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, इसमें भी जो मत के अनुसार होता है, इसमें जनगणना के अनुसार सीटें आवंटित की जाती है जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होती है, तो इसका भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा जनसंख्या वाला होता कि हमारे प्रांत में या राज्य में ज़्यादा सीटें मिलें तो उसमें क्या होता कि ज़्यादा सीटें मिला तो उसकी वजह से लोग जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करते, इस पर इसमें इसलिए इस पर किसी ने विचार नहीं किया कि जनसंख्या के हिसाब से कोई निर्धारण नहीं की गई। ठीक है, तो जितने भी राज्य होते हर राज्य चाहता कि मेरी सीटें ज़्यादा हों लोकसभा में या संसद में, तो वो जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इसमें राज्य वाइज क्षेत्र वाइज बंटवारा किया गया। ठीक है, अब लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है अब 552 निर्धारित है। ठीक है, इसमें 530 राज्यों
का प्रतिनिधित्व होते 20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेशों से, तथा शेष जो दो होते हैं वो कितने एंग्लो भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो भारतीय समुदाय जो होता है वो अंग्रेज़ों को एंग्लो बोला जाता है, जो अंग्रेजों वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया। वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि डायरेक्ट चुनाव होता है, लोग डायरेक्ट निर्वाचित करते हैं, अपना चुनते हैं। संविधान के जो 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि 18 वर्ष जो है उसकी जो वोटर की वोट देने की आयु पहले 21 वर्ष थी, तो ये क्या हुआ 18 वर्ष कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई। इसमें भी कुछ मतलब वैसी है बातें जो पहले राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने यह किया था क्योंकि राजीव गांधी बहुत हैंडसम व्यक्ति थे, तो जो उस टाइम के नौजवान वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे कि हमारा जो वो प्रधानमंत्री एकदम हैंडसम हो लाके राजीव गांधी, तो उस टाइप में राजीव गांधी ने सोचा कि हमें जो नवयुवकों का समर्थन अच्छा मिल जाएगा, तो उन्होंने क्या किया 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, उन्हीं के संशोधन द्वारा किए गए। अब सदन के दोनों सदनों की अवधि कितनी होती है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, हालांकि इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में, इसमें क्या 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रति दो साल में हर दो साल में नए निर्वाचित 1/3 किए जाते हैं, और जो है नए निर्वाचित करने के बाद और आगे उसमें भरे जाते हैं। ठीक है, इसे पुनर्निर्वाचित किया जाता है, पुनर्नामांकन के लिए पात्र होते हैं, और लेकिन जो पिछले वाले वो रिटायर होते हैं तैसे आगे भर लिए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के विपरीत जो लोकसभा में स्थायी सदन नहीं है ये भंग होता है, प्रत्येक साल में जो MLA वो MP का चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, तब तक के लिए लोकसभा भंग रहती है, जब नया जो गठन होता है उसके बाद लोकसभा में फिर चालू सत्र होता है। इसका सामान्य कार्यकाल जो है आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से 5 साल की अवधि तक होता है, जिसे उपरांत स्वतः भंग भी, ऐसे कभी भी भंग भी किया जा सकता है अगर वो चाहे तो। संसद बनने की पात्रता के लिए और गैर पात्रता देख लेते हैं। पात्रता क्या है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, और लोकसभा की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष का होना चाहिए। वह संसद द्वारा निर्धारित पात्रता रखता हो, जितने जो एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार संसद चुने जाने के लिए वह अपात्र होने के लिए क्या करेगा। अब देखते, अगर वो अपात्र घोषित कर दिया किस कारण, यदि वह संघ अथवा राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर हो। ठीक है, अब कोई लाभ का पद हो, देखो जो मंत्री है, मंत्री का कोई लाभ का पद निर्धारित नहीं किया गया, संसद विधायक MLC ये कोई लाभ का पद निर्धारित नहीं किया गया। हाँ, अगर चपरासी हो तो आपको लाभ का पद निर्धारित माना जाएगा। यदि वह पागल हो या वह न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया, यदि वह दिवालिया हो, दिवालिया उसे बोलते जो बैंक करप्टी होता है, जो बैंक का कर्ज नहीं दे पाता, तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यदि वह भारत का नागरिक हो ना हो, और वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, और किसी विदेशी राज्य के उस प्रति उसकी निष्ठा का संज्ञान हो, उसका मतलब दूसरे तरफ की संज्ञान हो, तो उसको, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून RPA 1991 के तहत आयोग करार दे तो, ठीक है, तो वह अपात्र माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, संविधान न्याय भी निर्धारित करता कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून के तहत है, 10वीं अनुसूची के तहत प्रावधानों के अंतर्गत दल बदल के आधार पर आयोग करार दिया जाता है, तो उसे संसद की सदस्यता निष्कासित कर दी जाएगी। अब दोहरी सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों में सदस्यता नहीं ले सकता, ठीक है, एक ही दोहरी सदस्यता नहीं ले। कोई भी सदन किसी भी सदस्य की सीट को तब तक रिक्त घोषित कर सकता है जब तक वह सदस्य सभापति को मंजूरी दिए बिना सदन की बैठक में लगातार 60 दिनों के भीतर अनुपस्थित रहा हो, ठीक है, तो वो सीट खाली मान ली जाएगी। अब लोकसभा के अध्यक्ष का जो है उसका देख लेते हैं। अध्यक्ष का चयन जो है लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में ही जो प्रथम बैठक होती है पश्चात शीघ्र अति शीघ्र किया जाता है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उसे लोकसभा सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प या रेजोल्यूशन द्वारा भी हटाया जा सकता है। हालाँकि इसके लिए उसे 14 दिन की जो है लोकसभा का अध्यक्ष अगर हटाना होगा तो बहुमत पारित करना होगा और 14 दिन पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए। अब देखो, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
जिसका आह्वान राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सदस्य की अध्यक्षता करता है वो, लेकिन आह्वान राष्ट्रपति ही करता है। दोनों सदनों के मध्य अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है। जो कोई अलग है साधारण विधेयक में कोई अंतर है तो, अब किसी वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा न होने का निर्णय करता है, जो उसका अंतिम निर्णय होता है। कौन करता है? अध्यक्ष, कि यह धन विधेयक है या नहीं है उसका अंतिम निर्णय मान लिया जाता है। उसे सामान्य मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु अगर समानता के मामले में वह अपना मत देने का अधिकार रखता है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव हो तो विचाराधीन होता है, तब वह लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो सकता है तथा बोल सकता है, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, अपने अगर उसी के खिलाफ लगता है तो अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर उसे मत देने का अधिकार बेसिक उसमें मत देने का अधिकार होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। उसे हटाने का प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, और प्रस्ताव केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कम से कम 50 सदस्यों का उसमें समर्थन हो। अब जीबी मंगलवर जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे, लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था, जो इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले स्पीकर जो प्रो टेम का भी एक पद होता है। यह जो अंतिम लोकसभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, जो लास्ट में पहली लोकसभा उसका बुजुर्ग होता है, वह आगामी लोकसभा के पहले अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है। अब लोकसभा का उपाध्यक्ष, अब देखो अध्यक्ष के समान लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा ही उसके सदस्यों में से मध्य में ही किया जाता है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा जो है अध्यक्ष की निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उपाध्यक्ष का निर्वाचन की तिथि जो है अध्यक्ष करेगा। पद से हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के समान है। मतलब उसी अनंत शयनन अयंकार जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब देखो वह भारत की अनुपस्थिति में जो है सभा की अध्यक्षता करता है। वह मतलब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष उसकी गढ़पूर्ति करता है, सदस्यता करता है। अब सत्र देखते हैं। संसद का सत्र किसी सदन की प्रथम बैठक से आवासन से लोकसभा के संदर्भ में जो है मध्य की समयावधि बोलते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। किसी भी सदन की जो अवसान और उसके पुनर्गठन के मध्य अवधि को सत्र का अवकाश कहते हैं। जितना वो उसका ख़त्म होने से पुनर्गठन होने से उसे अवधि बोलते हैं। प्राय एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, और मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होता है, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के देखते हुए है। ठीक है, अभी जो और डिटेल की चीज़ें हैं संसद के बारे में, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो उसका वीडियो हम किसी दिन टाइम निकाल कर उसमें बनाएंगे। बहुत अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए, तो हर आदमी को समझना चाहिए, और वो समझने के लिए बहुत मज़ा आता है ऐसे पढ़ने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम आपको ऐसी मदद करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपको हर परीक्षा में, हर कामयाबी में सफलता मिले। नमस्कार। No, 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 no.